हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स का पेपर थर्ड है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता। यह रेगुलर वालों के लिए 25 नंबर और प्राइवेट वालों के लिए 30 नंबर का रहेगा। यह इंग्लिश मीडियम वालों का पहला पेपर है, जिसकी भी इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए यह इंग्लिश मीडियम में पहला कन्वर्टेड पेपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम कोशिश करेंगे आपको सभी पेपर इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध कराने की, जितने आपके जमा होने से पहले हो जाएं। तो बन रही हमारे चैनल पर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके ये रहा पेपर और इसमें आपको बाकी नियम पढ़ना है। वैसे ही ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन कैरी इक्वल मार्क्स, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड आंसर लिमिट आर अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स। स्टार्ट द आंसर ऑफ ईच सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज, नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेज ऑफ आंसर बुकलेट आर अप्रॉक्सीमेटली 16 पेजेस। आंसर शुड बी रिटर्न बाय द स्टूडेंट इन हिज हर ऑन हैंड राइटिंग मैंडेटरी, यानी आपके हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट शुड बी डाउनलोडेड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट, मैंडेटरी। ठीक, इसके बाद आपके आता है फर्स्ट पेपर जो है, पहला प्रश्न फर्स्ट पेपर उद्यमिता से क्या आशा है, व्हाट इज मीन्ट बाय एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्रपोजल। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द मेन फाइव प्रॉब्लम्स आर एंटरप्रेन्योर। तो ये रहे आपके पहले प्रश्न का क्वेश्चन का उत्तर आंसर। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके जो है इनका आंसर लिख लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं ना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हों अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगली क्लास में फिर से आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो इस पर चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं, तो उसको भी आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें।